ये है हमारी हाइब्रिड वैरायटी 27। तो इस पे मैंने देख रहा था कि मक्खी काफ़ी पोलन उठा रही है यहाँ से, आप भी देख सकते हैं। ये जस्ट ये रही, इस पे काफ़ी पोलन आ रहा है इस टाइम पे। और आप मेरे ड्रेस भी देख सकते हैं, देखो तो इसके पास पास से मेरी सारा पोलन कपड़ों पे लग गया। और काफ़ी मक्खियाँ जो यहाँ से पोलन उठा रही हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं। देखो ये देखो ये लग गया, आपको दिखेगा नहीं शायद, एक मिनट। ये देखो कितना उड़ रहा, ये देखो, और मक्खी भी उठा के ले जा रही है यहाँ पे। तो इस टाइम पे काफ़ी पोलन आ रहा है, तो मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा पोलन इकट्ठा कर रही हैं। बस इस पे स्प्रे का थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि स्प्रे में तो आपको पता ही है उसमें मक्खी मरने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखिए ये सारा पोलन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और मैंने टेस्ट करके देखा तो इसका अजीब सा टेस्ट है, चावल जैसे ही मान सकते हैं आप, लेकिन कुछ अलग ही टेस्ट है। तो इसलिए मैंने कुछ पोलन ट्रैप भी यूज़ की थी, तो उनमें देखना चाहता हूँ मैं कि क्या टेस्ट इसका रहता है पोलन का इसके, क्योंकि हमने सरसों का, कोकोनट का और बाकी यूकेलिप्टस का, इनका पोलन चेक किया है लेकिन चावल का नहीं किया। तो अब की बार देख रहे हैं इसका भी कैसा रहेगा। और ये भारी मात्रा में यहाँ पे पोलन आ रहा है, देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी खेत में, इसमें ये देखो।